वेलकम टू सक्सेस करियर। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिशियन के फुल कोर्स में जो है हमारा अध्याय जो है चल रहा था वैद्युतिक सहायक सामग्री में भाग तीसरा। ठीक है, क्या है हमारा आज का, अभी तक हमने भाग दूसरा तक हमने बता दिया इस चैप्टर में। अब हम आज भाग थ्री का बात करेंगे और ये हमारा जो इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स का जो है 28वां नंबर का वीडियो है। ठीक है, ये कौन सा है हमारा 28वां नंबर का वीडियो है और वैद्युतिक सहायक सामग्री का भाग तीसरा है। तो हम आज पढ़ेंगे सॉकेट, प्लग टॉप, ठीक है, होल्डर वगैरह, फ्यूज। हम चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास सॉकेट से। देखिए दोस्तों, सॉकेट होता क्या है, आप लोग जानते होंगे कि सॉकेट जो है हमारे घरेलू उपयोग में बहुत ज्यादा मात्रा में काम में लाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमें जो घरों में वायरिंग होता है, और वायरिंग जो होता है वो तो फैन और ट्यूबलाइट वगैरह यानी कि बल्ब, लैंप, इन सबों का जो है वायरिंग हम पूरा जो है विधिवत रूप से कर देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें फ्रिज यूज करना है, ठीक है, कूलर यूज करना है, कुछ एक्सटर्नल चीज, ठीक है, जो वायरिंग से नहीं जुड़ी हो, तो उसको हम किसी दूसरे पार्ट को, बाहरी पार्ट को, अगर हम उसको, उस उपकरण को चलाने के लिए, ठीक है, जिस एक्सटेंशन बोर्ड में 3 पिन और 5 पिन का यूज करते हैं, ठीक है, जो युक्ति युक्त करते हैं वो सॉकेट कहलाती है। बात समझ रहे हैं, जैसे कि सचल तथा घरेलू उपयोग के वैद्युतिक उपकरणों को विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति सॉकेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉकेट। यहां पे समझिएगा कि सचल तथा घरेलू उपयोग के वैद्युतिक उपकरण, घरेलू वैद्युतिक उपकरण क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि फ्रिज, ठीक है, मोबाइल का चार्जर और फिर या फ्रिज का जो है आपका प्लग टॉप को उसमें जो है लगाने के लिए, यानी कि उसको संधि करने के लिए या उसमें विद्युत को प्रवाहित कराने के लिए एक सॉकेट के माध्यम से उसमें हम विद्युत का प्रवाह करते हैं और उसका उपकरण का यूज करते हैं। तो क्या चीज है कि सचल तथा घरेलू उपयोग के वैद्युतिक उपकरणों की विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए, ठीक है, विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए की जाने वाली युक्ति सॉकेट कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछ सकता है और ये कई बार पूछा भी है कि सॉकेट जो होता है ये सामान्यतः दो प्रकार से पाया जाता है, एक होता है 2 पिन में और एक होता है 3 पिन में। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार का, 2 पिन और 3 पिन, आजकल तो 5 पिन भी आ गया है, ठीक है, 5 पिन, 6 पिन, 7 पिन ऐसा जो है आ गया है। हम मुख्यतः बात करते हैं अभी 2 पिन और 3 पिन के बारे में। ठीक है, 2 पिन के बारे में अगर बात किया जाए, जो हमारा सॉकेट होता है वो 2 पिन की बात किया जाए तो वो उसका जो क्षमता होता है किस क्षमता में बनाया जाता है, तो दोस्तों 5 एम्पियर और 250 वोल्ट के, 5 एम्पियर और 250 वोल्ट में उस क्षमता के अनुसार इस चीज को बनाया जाता है। तथा 3 पिन वाला जो है हमारा सॉकेट होता है वो 5 से 15 एम्पियर और 250 वोल्ट के क्षमता वाले बनाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 पिन वाला जो है क्या क्षमता है सॉकेट का, या सॉकेट का क्या उपयोग है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्लग टॉप। देखिए दोस्तों, प्लग टॉप को जानने से पहले हम आपको फिगर के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सॉकेट कैसा होता है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखेंगे कुछ इस प्रकार से एक्सटेंशन बोर्ड में। आप लोग पहले आप लोग 2 पिन देख लीजिए, आप लोग ये 2 पिन सॉकेट है, ठीक है, और एक दूसरा होता है 3 पिन सॉकेट, देखे होंगे ऐसा, ये क्या है 2 पिन सॉकेट और ये क्या है 3 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और ये है 2 पिन सॉकेट। ठीक है,
टू पिन सॉकेट और थ्री पिन सॉकेट। जो टू पिन सॉकेट होता है वो 5 एम्पियर 250 वोल्ट के क्षमता का बनाया जाता है, और ये जो थ्री पिन होता है वो 5 से 15 एम्पियर और 250 वोल्ट की क्षमता में बनाए जाते हैं। तो ये चीज जो है सॉकेट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। या आपको ऐसा फिगर दे देगा, पूछेगा कि इसका नाम क्या है, तो आप लोग इसका जवाब बिल्कुल अच्छे से दे सकते हैं। ये सॉकेट है, टू पिन सॉकेट, और ये थ्री पिन सॉकेट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्लग टॉप की तरह। प्लग टॉप जिसको हम लोग आम भाषा में ऐसे हम लोग गांव में कह देते हैं प्लग, ठीक है, प्लग लगाना या प्लग खसना ऐसा कह देते हैं। देखिए प्लग टॉप जो है, देखिए इसका क्या है परिभाषा देखा जाए कि सचल वैद्युतिक उपकरणों की मेन लीड में, सचल वैद्युतिक उपकरणों की मेन लीड में संयोजित करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लग टॉप। जैसे कहने का मतलब है, देखिए हम आपको एक उदाहरण में बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा देख रहे हैं, ये जो हमारा युक्ति है, ये प्लग टॉप कहलाता है। क्या है? देखिए ये टू पिन का प्लग टॉप है। क्या चीज है? टू पिन का प्लग टॉप है, ठीक है। तो ये प्लग टॉप जो है हम सॉकेट में यूज करते हैं। जैसे ये टू पिन है तो हम ये टू पिन में यहाँ पे यूज कर लेंगे, और ये यहाँ पे ये थ्री पिन का है तो हम थ्री पिन वाला वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? ये प्लग टॉप होता है, और ये हमारा क्या होता है? सॉकेट होता है। प्लग टॉप भी दो प्रकार का, एक टू पिन वाला और एक थ्री पिन वाला। जाहिर सी बात है कि जब सॉकेट टू पिन का हो सकता है तो प्लग टॉप भी थ्री पिन का ही होगा, मतलब कि थ्री लीड का होगा। बात समझ आ रही है? और ये होता है हमारा होल्डर होता है। क्या होता है? होल्डर। अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। और ये लैंप है, ठीक है। तो पहले अभी हम देख लेते हैं प्लग टॉप। तो चलिए दोस्तों, सचल वैद्युतिक उपकरणों की मेन लीड में संयोजित, जो सचल वैद्युतिक कोई उपकरण है उसकी मेन लीड में, जो मेन लीड होता है में संयोजित करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है, ठीक है। देखिए प्लग टॉप क्या है, आप लोग देखेंगे ऐसा, ये आपका क्या है? प्लग टॉप। अभी हमने आपको दिखाया क्या होता है प्लग टॉप। ये टू पिन प्लग टॉप है। क्या है? टू पिन प्लग टॉप। एक होता है हमारा थ्री पिन प्लग टॉप। क्या होता है हमारा? थ्री पिन प्लग टॉप। थ्री पिन प्लग टॉप। दिख रहा है आपको? ये है आपका ये थ्री पिन प्लग टॉप। ये वायर होता है हमारा, क्या है? वायर, ठीक है। क्या है? ये वायर क्या है? तो ये हमारा क्या है? टू पिन प्लग टॉप, और ये क्या है? थ्री पिन प्लग टॉप। यहाँ पे नट बोल्ट यहाँ पे फंसा जाता है। तो ये हमारा क्या है? प्लग टॉप है। अगर ऐसा फिगर दिया और नाम पूछ दिया उसका, तो उसको हम प्लग टॉप, टू पिन प्लग टॉप और थ्री पिन प्लग टॉप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या है कि सचल वैद्युतिक उपकरणों की मेन लीड में संयुक्त करने वाली, ये जो मेन लीड है, मेन लीड को संयुक्त करने वाली जो युक्ति होती है वो प्लग टॉप कहलाती है, ठीक है। तो प्लग टॉप का यूज सॉकेट में लगाने के लिए, ताकि जो उपकरण का हम यूज कर रहे हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, और विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वो उपकरण जो है स्टार्ट कर देगा, और स्टार्ट होने के बाद जो उपकरण का काम है, वो कार्य है, वो कार्य सफलतापूर्वक बिल्कुल करने लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सॉकेट और प्लग टॉप। प्लग टॉप में एक चीज और देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं। देखिए यहां पे भी वही चीज है, ये भी जो है टू पिन और 5 एम्पियर में ही होते हैं, टू पिन 5 एम्पियर में ही होते हैं, 250 वोल्ट रेंज में आ जाते हैं, ठीक। और दूसरी बात थ्री पिन में देखा जाए तो 5 से 15 एम्पियर, थ्री पिन में 5 से 15 एम्पियर 250 वोल्ट के क्षमता के अनुसार बनाए जाते हैं। तो ये चीज भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा प्लग टॉप के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉकेट और प्लग टॉप का जो है कैपेसिटी है
ठीक है, उसकी जो सामान्यतः 2 पिन और 3 पिन का कैपेसिटी है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर, 3 पिन के लिए 250 वोल्ट का क्षमता और 5 एम्पियर 250 वोल्ट था, और 5 एम्पियर पे 2 पिन में 5 एम्पियर 250 वोल्ट का क्षमता के अनुसार बनाए जाते हैं। तो ये चीज को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे क्या, लैंप होल्डर। क्या पढ़ेंगे? लैंप होल्डर। तो दोस्तों अभी हमने आपको एक चित्र, एक हमने युक्ति दिखाया होल्डर का। देखिए ये जो हमारा है, ये चीज क्या है, ये होल्डर है, देख रहे हैं। ये जो आपका होल्डर है किस टाइप का है मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, देखिए लगा हुआ है नट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये है आपका एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। ये कौन सा है, स्क्रू टाइप, देख रहे हैं, एक स्क्रू टाइप में लैंप होल्डर है, यानी कि इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो ये जान गए आप लोग ये लैंप होता है। चलिए अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं थ्योरी। लैंप होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से थोड़ा सुनिए, बायोनेट कैप लैंप होल्डर। तो देखिए बायोनेट कैप लैंप होल्डर क्या होता है कि BIS 732 के नियम के अनुसार इस प्रकार के होल्डर का उपयोग 200 वाट तक के लैंपों के लिए किया जाता है। कितने सौ वाट के लिए? 200 वाट तक के लैंपों के लिए किया जाता है, मतलब कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 200 वाट तक के लैंप के लिए कौन सा बायोनेट कैप लैंप होल्डर का उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज को आप लोग बिल्कुल नोट करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायोनेट कैप लैंप होल्डर जो है कितने वाट तक के लैंप के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है 200 वाट तक के लैंप के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा कि एडिशनल स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन बस इतना ही पूछा था कि जो एडिशनल स्क्रू टाइप होल्डर जो है वो मतलब एडिशन स्क्रू टाइप ये क्या चीज है, होल्डर का प्रकार है कि ये आपका सॉकेट का है कि प्लग टॉप का है। तो आप लोग जानते हैं कि एडिशन स्क्रू टाइप जो है लैंप होल्डर का प्रकार है। अभी हमने आपको जो दिखाया होल्डर वो चीज, ठीक है, वो ऊपर से क्या है ऐसे ब्लैक है, ठीक, वो चीज प्रकार से है जिसमें हम बल्ब को इसमें फंसा देते हैं, ऊपर से इसमें एक टोपी जैसा लगा होता है कवर, ठीक है, इसमें दो नट बोल्ट होता है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें हम वायर को खस देते हैं और निकाल देते हैं, नॉर्मली हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। अब आगे है गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। देखिए दोस्तों गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप जो होल्डर होता है, इस प्रकार का जो होल्डर होता है वो कहां प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये तो देखिए गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर कहां प्रयोग किया जाता है, ये जो प्रयोग किया जाता है ये आप लोगों को हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, जो गाड़ियों का हेडलाइट होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। जो होल्डर होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, उसमें हम बल्ब जो है कसा जाता है। अब इसमें क्या होता है, एडिशन स्क्रू टाइप में क्या होता है कि बल्ब को क्या कहता है, उसमें बस ऐसे लगाएंगे और ऐसे फंसा देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये बल्ब हमने लगाया और ये चल कर यहाँ पे केवल लॉक कर दिया, ऐसे लॉक हो गया, ठीक है। तो ये तो क्या था हमारा, एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर, ठीक है, लैंप होल्डर। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारा जो गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर है उसमें जो है बल्ब जो है कसा जाता है, उसमें क्या है चूड़ी बनी होती है, उसमें कसा जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये सामान्य होल्डर, सामान्य होल्डर होता है, ठीक। और ये क्या होता है, हेडलाइट, हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, हेड लाइट, ठीक है। अगला है हमारा स्क्रू टाइप, स्क्रू टाइप या ट्यूबलेट होल्डर, ट्यूब ट्यूब लैंप होल्डर। देखिए ट्यूब लैंप का होल्डर आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और फिर एक इधर से होता है, दो ठे और इसमें दो ऐसे, दो ऐसे यहाँ पे, ऐसे में हमारा लैंप लगा होता है, इसमें हमारा क्या लैंप जुड़ा होता है, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ से इसको बना दिया हूँ, ये हमारा होल्डर है, बीच में ये लैंप लगा होता है, लैंप है, ठीक। अब देखिए स्क्रू टाइप या ट्यूबलाइट लैंप होल्डर इस प्रकार से होता है। तो पूछेगा कि स्क्रू टाइप या ट्यूब लैंप क्या चीज है, तो ये एक प्रकार का होल्डर है, क्या चीज है, एक प्रकार का होल्डर है।
ठीक है, तो होल्डर में बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम आगे चलिए, आगे टॉपिक पढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम अब पढ़े हम अब हम क्या पढ़ेंगे फ्यूज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे फ्यूज पढ़ेंगे दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे फ्यूज सॉरी अब पढ़ेंगे हम लोग फ्यूज। देखिए फ्यूज क्या होता है दोस्तों, फ्यूज या एक सुरक्षा युक्ति होता है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज जो है एक सुरक्षा युक्ति होता है जो हमारे परिपथ में जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडेड होता है तो स्वतः ही क्या हो जाता है, वो परिपथ भंग हो जाता है। ठीक है, परिपथ क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या कि यह एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ को शॉर्ट सर्किट किसी वैद्युतिक परिपथ को शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा करती है, शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा करती है। अब फ्यूज युक्ति में, फ्यूज जो है उस युक्ति में निम्न गलनांक वाली धातु का तार प्रयोग किया जाता है। ये चीज जो है आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि निम्न गलनांक वाली धातु का तार जो है हम फ्यूज में यूज करते हैं या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। फ्यूज क्या है, फ्यूज यह एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी परिपथ में ओवरलोड की स्थिति में, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट के स्थिति में जो है यह परिपथ भंग हो जाता है, क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, परिपथ जो है ओपन रहता है और सुरक्षा जो है युक्ति की जो है सुरक्षा हो जाती है, और उसी सुरक्षा यही जो है सुरक्षा युक्ति है, यानी कि हमारा फ्यूज होता है। अब फ्यूज में जो वायर का प्रयोग किया जाता है, जिस धातु का तार का प्रयोग किया जाता है, वो निम्न गलनांक का होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए, निम्न गलनांक के होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए फ्यूज जो है फ्यूज के भी कुछ प्रकार है। सबसे पहले हम किटकैट फ्यूज के बारे में देखते हैं। क्या चीज, किटकैट फ्यूज, याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, किटकैट फ्यूज। ठीक है, किटकैट फ्यूज। ठीक है दोस्तों, किटकैट फ्यूज क्या होता है, किटकैट फ्यूज क्या होता है, देखिए इसका दूसरा नाम जो है ये रीवायरेबल फ्यूज होता है। क्या होता है, रीवायरेबल फ्यूज, ये चीज याद रखिएगा आप लोग बिल्कुल। किटकैट फ्यूज को हम रीवायरेबल फ्यूज कहते हैं। देखिए दोस्तों, रीवायरेबल इसके नाम से ही पता चल रहा है, री माने दोबारा, अवायरेबल माने कि दोबारा उसमें निम्न गलनांक का तार का प्रयोग करते हैं। हमारे अभी और नॉर्मल से देखा जाए जो हम घर में फ्यूज का जो यूज करते हैं वो हमारा किटकैट फ्यूज यूज होता है, यानी कि रीवायरेबल ही यूज होता है। रीवायरेबल में क्या होता है कि जैसे ही परिपथ भंग होता है, ओवरलोड की स्थिति आती है, तो उसमें जो उसमें निम्न गलनांक वाली जो फ्यूज में तार लगा होता है वो क्या हो जाता है, वो गल जाता है। क्या होता है, गल जाता है ओवरलोड की स्थिति में या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में वो गल जाता है। ठीक है, और वो गल जाने के बाद हम वहाँ पे यूज करते हैं रीवायरेबल, यानी कि हम दोबारा वहाँ पे दूसरा हम तार जो है यूज कर लेते हैं। ठीक है, तांबे का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा रीवायरेबल फ्यूज होता है। ठीक है, अब देखिए ये चीनी मिट्टी द्वारा बनाया गया होता है। ये कैसा होता है, चीनी मिट्टी द्वारा बनाया गया होता है जो रीवायरेबल फ्यूज है, यानी किटकैट फ्यूज है, वो बनाया जाता है चीनी मिट्टी का। ठीक है, किस का बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है। और चीनी मिट्टी में ही क्या लगाता है उसमें, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, देखे होंगे आप लोग, यहाँ पे नट कसा होता है और इसमें भी नट कसने वाला होता है, वायर को लगा के इसमें वायर को लगा करके ये नीचे की तरफ निकलता है, ये ऊपर की तरफ निकलता है, फिर इसमें एक कवर लगा होता है, इसमें एक कवर इसको जोड़ने के लिए आपस में जुड़ा होता है, इसमें वायर हम लगा देते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, वायर हम कस देते हैं, इसमें जो है हम वायर ऐसे कस देते हैं, यहाँ पर नट बोल्ट लगा होता है। ठीक, और जैसे ही हम इसमें लगा देते हैं, ये वाले हिस्सा जो उठा करके हम इसमें पैक कर देते हैं। देखिए अभी हमारा ये क्या है,
फ्यूज क्या है, लगा नहीं रहता, यानी कि ओपन सर्किट है। जैसे ये फ्यूज हमने लगा दिया तो क्या हो जाता है, वो क्लोज होता है, यानी कि धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसी में हमेशा ये ओवरलोड की स्थिति में ये वाली जो वायर होता है ये जल जाता है, तो यहाँ पे इसी वायर को हम बार बार चेंज करते हैं, तो ये किटकैट फ्यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसमें देखा जाए किटकैट फ्यूज में, यानी कि रीवायरेबल फ्यूज में, तो जो ये होता है आपका ये 5 एम्पियर 250 वोल्ट में होता है। क्या होता है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट और 15 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट और 15 एम्पियर 250 वोल्ट में। कितनी क्षमता में होता है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट में और 15 एम्पियर 250 वोल्ट में होता है। ठीक है, और कारखाने में जो है ऐसा 300 एम्पियर 440 वोल्ट कारखानों के लिए 300 एम्पियर 440 वोल्ट ठीक है, कारखानों के लिए होता है, कारखाना, ठीक, कारखाने में जो फ्यूज का यूज किया जाता है ना, वो 300 एम्पियर और 440 वोल्ट पे। और ये आपका किटकैट फ्यूज जो है हमारा नॉर्मल घरों में 5 एम्पियर से 250 वोल्ट और या 15 एम्पियर से 250 वोल्ट के क्षमता के जो है फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसको पहले तो मिटाते हैं, उसके बाद पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कार्टेज फ्यूज। ठीक है, आगे देखते हैं कार्टेज फ्यूज। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगला फ्यूज देखेंगे, कार्ट्रिज। कहाँ देखेंगे, कार्ट्रिज फ्यूज देखेंगे। ठीक है, ठीक है, कार्ट्रिज फ्यूज जो होता है वो पूर्णतः वायुरुद्ध होता है। क्या होता है कार्ट्रिज फ्यूज, लिख लीजिए, पूर्णतः यह फ्यूज पूर्णतः वायुरुद्ध होता है, वायुरुद्ध होता है। क्या होता है यह फ्यूज, कैसा होता है, वायुरुद्ध होता है। ठीक है, तो कैसा फ्यूज होता है दोस्तों, ये एयर टाइट प्रकार का होता है, यानी कि वायुरुद्ध होता है। वायुरुद्ध क्या होता है, एयर टाइट, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो कार्ट्रिज फ्यूज होता है या पूर्णतः क्या होता है, यह फ्यूज जो है पूर्णतः वायुरुद्ध होता है, यानी कि एयर टाइट होता है। ठीक है, इसका जो फिगर होता है, पहले तो हम फिगर देख लेंगे फिर इसके बारे में प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए ये हमारा फ्यूज है, ये जो है हमारा धातु का जो है, यहां पे इसमें छिद्र होता है, ठीक है, और इसमें अब देखिए ये बिल्कुल पैक होता है। बिल्कुल क्या होता है, ये पैक होता है। कैसे पैक होता है भाई, ये कांच अथवा पोर्सिलेन की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। किसके ट्यूब में, कांच या पोर्सिलेन के ट्यूब में, कांच या पोर्सिलेन, कांच या पोर्सिलेन की ट्यूब, कांच या पोर्सिलेन की ट्यूब में बंद रहता है, बंद रहता है। अब जो इसमें जिस वायर का प्रयोग किया जाता है, जो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो हमारा जो मिश्र धातु होता है वो तांबा और टीन होता है। क्या होता है, तांबा और टीन होता है, तांबा और टीन। तांबा का जो मात्रा होता है वो 67% और टीन का 33%, ठीक है ना, 63% होता है। यानी कि तांबा जो है, तांबा का मात्रा 63% और टीन का मात्रा जो है 37, यानी कि 37% जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु। ठीक है, तो हमारा कार्ट्रिज फ्यूज जो है कांच या पोर्सलिन के ट्यूब में बंद रहता है, और इसमें जो वायर का प्रयोग किया जाता है वो एक मिश्र धातु होता है जो 63%
तांबा और 37% टीन से मिलकर बना होता है और यह फ्यूज पूर्णतः वायुरुद्ध प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, और यह जो है इसका यह किस खोल में बंद रहता है, किस ट्यूब में, ये पोर्सलिन की ट्यूब या कांच के ट्यूब में बंद रहता है और इसका जो क्षमता होता है वो 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक के बीच में होता है। कितना होता है? 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक के बीच में होता है, ठीक है। 60 एम्पियर तक के बीच में इसका यूज किया जाता है, 60 एम्पियर तक के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसको नोट करिए आप लोग, उसके बाद हम आगे देखते हैं HRC फ्यूज। क्या देखेंगे? HRC फ्यूज, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर हम देखते हैं HRC फ्यूज। तो देखिए दोस्तों अगला जो है हम पढ़ेंगे HRC फ्यूज। कौन सा फ्यूज पढ़ेंगे? HRC फ्यूज। देखिए दोस्तों ये बड़ी फेमस ही फ्यूज होता है, ठीक है, हम इसके बारे में बता रहे हैं। HRC फ्यूज, सबसे पहले तो याद रखिएगा HRC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। HRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। तो HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा। ये क्या होता है? ये इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, ठीक है, इसका जो क्षमता होता है वो 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक होता है। कितना? 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक के बीच, 1000 एम्पियर तक के बीच में इसका यूज होता है या इस क्षमता के फ्यूज बनाए जाते हैं, 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक के, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो होता है इसका फ्यूजिंग जो फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर, देखिए HRC फ्यूज में जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है इसको हमको याद रखना है हम लोगों को, फ्यूजिंग ये पूछा गया है, फ्यूजिंग फैक्टर। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, इसको आप लोग बिल्कुल नोट करिए। जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटे में अंकित फ्यूजिंग धारा, तो हमारा जो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो होता है वो 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर के बीच मध्य जो है इसका कैपेसिटी होता है, इस कैपेसिटी के इस क्षमता के HRC फ्यूज बनाए जाते हैं। और फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटे में अंकित फ्यूजिंग धारा, जो उसमें अंकित किया गया हो, ठीक है, सबसे कम फ्यूजिंग धारा, ठीक है, बटे में कितना वो एम्पियर का है या कितना उसका क्षमता है बटे में वो, ये दोनों का जो है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा में अंकित फ्यूजिंग धारा के भाग देंगे तो हमारा फ्यूजिंग फैक्टर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग को बिल्कुल ध्यान देना है और ये हमारे फार्मूलों को भी याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूज, तीन प्रकार का, ये कौन कौन सा फ्यूज हमने पढ़ लिया, कार्टीज फ्यूज, किटकैट फ्यूज और HRC फ्यूज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सीलिंग रोज। क्या चीज? सीलिंग रोज, ठीक है दोस्तों। सीलिंग रोज क्या होता है आप लोग देखेंगे, जहां पे वायरिंग वगैरह होता है घरों में, तो जहां पे ये बल्ब वगैरह लगाए जाते हैं या फैन लगाए जाते हैं, और वहाँ पे फैन, जैसे मान लीजिए अभी फैन नहीं लगा है तो वहाँ पे एक कवर लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फैन का उपयोग नहीं किया गया है और यहाँ पे ये छोड़ा गया है कि यहाँ पे फैन लगाना है, तो एक वहाँ पे कवर लगाया जाता है, ठीक है। या कवर लगाने के बाद भी जैसे ही हम देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो छत होता है हमारा जहाँ पे लगाना है, जैसे कोई दीवार होता है, कोई दीवार होता है उसमें हमको क्या यूज करना है, क्या यूज करना है हमारा, सीलिंग रोज। देखिए मैं लिख देता हूं सीलिंग रोज, पहले सीलिंग रोज, ठीक है। देखिए दोस्तों सीलिंग रोज क्या होता है, देखिए सीलिंग फैन या ट्यूबलाइट पेंडेंट होल्डर, सीलिंग फैन, इसे पहले लिखिए आप लोग सीलिंग फैन
और ट्यूबलाइट पेंडेंट स्लिप फैन, ट्यूबलाइट पेंडेंट होल्डर, ट्यूबलाइट पेंडेंट होल्डर, ट्यूबलाइट पेंडेंट होल्डर, पेंडेंट होल्डर, ठीक है, क्या चीज, सीलिंग फैन और ट्यूबलाइट पेंडेंट होल्डर को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए, पेंडेंट होल्डर को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए, विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए, ठीक है, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, पेंडेंट होल्डर आदि आदि क्या चीज, वैद्युतिक उपकरण को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है, प्रदान करने के लिए सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है। इसी को लिखिए आप लोग, सीलिंग रोज के बारे में क्या लिखेंगे कि सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, पेंडेंट होल्डर आदि को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज किया जाता है, सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है। ये 5 एम्पियर 250 वोल्ट का क्षमता में होता है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, 250 वोल्ट के क्षमता में बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप पहले नोट करिए, नोट करिए इसको, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में, पहले हम इसको फिगर बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीलिंग रोज, सीलिंग रोज का हम पहले हम आपको बताते हैं, ये 2 प्लेट का होता है, 2 पिन का होता है और क्या होता है, 3 पिन का होता है, माने कि 2 प्लेट और 3 प्लेट का सीलिंग रोज होता है, 2 प्लेट। तो देखिए दोस्तों, 2 प्लेट का सीलिंग रोज, सीलिंग रोज, ठीक है, 2 प्लेट CR यानी कि सीलिंग रोज, और एक होता है 3 प्लेट सीलिंग रोज, 3 प्लेट सीलिंग रोज, ठीक है दोस्तों, 2 प्लेट सीलिंग रोज और 3 प्लेट सीलिंग रोज, ठीक है। सीलिंग रोज क्या होता है, सीलिंग रोज क्या होता है कि जो हम जब वायरिंग करते हैं तो या तो हम पंखे का जो सीलिंग फैन होता है या कोई बल्ब होता है बल्ब को जलाने के लिए या सीलिंग सीलिंग फैन के लिए जो आपका छत पे लगाया जाता है पंखा, उसके लिए हम एक होल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक दीवार में ऐसे होल्डर लगा हुआ है, दीवार में एक गोल सा होल्डर लगा हुआ है और उसमें आप लोग देखे होंगे कि ऐसे पिन बनाया गया होता है, इस प्रकार से कुछ पिन बनाया गया होता है और इसमें जो है एक नट होता है जिसमें एक वायर इसमें आता है, ठीक है, वायरिंग के थ्रू यहाँ पे वायर आता है और यहाँ से हम आउटपुट करते हैं, इनपुट आता है और इसी से हम फिर आउटपुट करते हैं और पंखे में जो है हम कनेक्शन करते हैं, पंखे में हम ऐसे कनेक्शन कर देते हैं इस ये जो वायर आता है। तो अब ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, पंखे के वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा होता है यही सीलिंग रोज होता है। क्या होता है, सीलिंग रोज होता है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 पिन है तो इसको 2 प्लेट सीलिंग रोज बोलते हैं, ठीक है। आप लोग अक्सर देखे होंगे जो छत पे या दीवार में सीलिंग रोज बनाया जाता है एक्स्ट्रा चीज को यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बीच में कहीं कोई विद्युत सप्लाई करनी है, कोई अलग से एक कोई, जैसे कि हम देखिए अभी पढ़े हैं सॉकेट के बारे में, तो सॉकेट का यूज क्यों करते हैं, सॉकेट का यूज करते हैं कि कोई अन्य विद्युतिक उपकरण को हम, जैसे कि चार्जर हुआ, उसको हम वहाँ पे लगा करके प्लग टॉप, चार्जर का प्लग टॉप लगा करके सॉकेट में हम उसका यूज कर लेते हैं। वैसे ही जो है, अगर हम कहीं पंखा लगाना हो या कहीं बल्ब लगाना हो तो इसके उसके लिए हम सीलिंग रोज का उपयोग करते हैं। तो ये तो रहा हमारा 2 प्लेट का। अब देखिए, अब होता है एक 3 प्लेट का। 3 प्लेट का कैसा होता है, देखिए ये होता सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कि फेज है, न्यूट्रल है, और 3 फेज 3 में क्या होगा, 3 प्लेट में होता है फेज, न्यूट्रल और क्या 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 चीज, अर्थिंग, ठीक है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग होता है, ठीक। अब देखिए 3 प्लेट में कैसा होता है, ये चीज हमको देखना जरूरी है। देखिए 3 फेज में कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से अलग अलग बांटा गया होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बांटा गया होता है, ये
दीवाल का काम करता है, ठीक। और यहाँ पे एक नट होता है, यहाँ पे होता है एक, और एक यहाँ होता है, ठीक है। अब इसमें जो है तीनों वायर को जोड़ाता है, एक इसका कवर भी होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से कवर होता है, ये कुछ इसका इस प्रकार से कवर होता है इसको कसने के लिए, और इसमें से बाहर से वायर ऐसे निकला जाता है, यहाँ पे छिद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वायर यहाँ पे लगाते हैं, एक वो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये तीनों को हम जो है इस कवर के माध्यम से बाहर निकाल करके हम किसी चीज में, किसी उपकरण में जो थ्री फेज का होगा, सॉरी वहाँ पे जहाँ पे थ्री थ्री प्लेट का होगा, सीलिंग रोच, न्यूट्रल और आपका न्यूट्रल और फेज और आपका अर्थिंग का उपयोग किया गया होगा, वो जो है हमारा कनेक्ट होता है सीलिंग रोच से थ्री प्लेट में, ठीक है। तो मान लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई तीन वायर का उपयोग किया गया हो, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, तो उसके लिए हम इस प्रकार का हम सीलिंग रोज का उपयोग करते हैं, ठीक है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़, या पंखा ही ले लीजिए, या कोई बल्ब ले लीजिए, या कोई चार्जर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये टू प्लेट है और ये हमारा थ्री प्लेट सीलिंग रोज है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आज का क्लास अभी बस इतना ही, जो कि वैद्युतिक सहायक सामग्री में भाग तीसरा, और हमारा जो है अगला वीडियो जो है, अगला क्लास जो आएगा भाग चार, जिसमें ये पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा, और इस अध्याय से जो संबंधित प्रश्न होंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में, ठीक है, तो उसको हम अगले क्लास में हम देखेंगे और अगले क्लास में सॉल्व भी करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।